ये दोस्तों ये रिजॉर्ट में भी आया हूँ छोई में, ये भी मेरे दोस्त का रिजॉर्ट है, तो उसने देखने के लिए बुलाया था कि कुछ सलाह मशवरे के लिए। तो अभी एक 90 लोगों का ग्रुप है तो फंक्शन चल रहा है, म्यूज़िक कॉपीराइट ना जाए। इस तरफ कॉटेजेस बनी हुई हैं और यहाँ पे है स्विमिंग पूल। ये दोस्तों अभी 32 रूम्स है इस प्रॉपर्टी में, नई चालू हुई है अभी जून में ही। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल भी है और ये इस तरह के एक जैसे कमरे बने हुए हैं और वो पीछे डुप्लेक्स रूम्स है। अभी प्लांटेशन किया गया है तो मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो और अच्छा लुक हो जाएगा। ये डुप्लेक्स रूम बने हुए हैं और यहाँ पे भी ऑर्गेनिक खेती चालू कर दी है पूरी सब्जियाँ। और अभी क्योंकि नया रिजॉर्ट है धीरे धीरे पूरा ये बगीचा बनेगा और 6 महीने बाद तो प्लांट्स अच्छे हो जाएंगे। अभी बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। जानवर क्या सीन है आसपास, एनिमल की मूवमेंट क्या है आसपास? सर ये पूरा एरिया है पूरा बैग, हाँ ऑलमोस्ट 18 है यहाँ पे टाइगर की। हाँ और ये भी अभी रात को दिख रहा है इधर, यहाँ पे जंगल है साइड की, क्या है? पूरा जंगल है सर, जंगल है ना पीछे पूरा जंगल। हाँ दोस्तों मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और जो जिम कॉर्बेट का बंगला था काला डूंगी में छोटी हल्द्वानी गाँव में, उस रोड से मैं वापस लौट रहा हूँ। और ये जो रोड है तो अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि काला डूंगी के पास से भी एक सफारी का गेट ओपन करने वाली है जो कि पवलगढ़ की तरफ जाएगा। आपने जिम कॉर्बेट की स्टोरी तो सुनी होगी, बैचलर ऑफ पवलगढ़। तो वो जो टाइगर था जिस जंगल में मिला था वो जिम कॉर्बेट घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, और तो जिम कॉर्बेट के बंगले के पास से ही। और वो जो बोर नदी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बोर नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे जिम कॉर्बेट अपनी बहन मागी के साथ, पहले मैगी बोलते थे लेकिन मुझे उनके किसी जानने वाले जो काफ़ी बूढ़े थे उन्होंने बता, उनके थ्रू मुझे मालूम चला था कि उनका नाम मैगी नहीं था मागी था, मार्गरेट का शॉर्ट फॉर्म मागी। तो उनके साथ बैठ के मछली पकड़ रहे थे और जब उनके दोस्त आए थे जो हाथी में बैठ के, फिर उनका टाइगर से आमना सामना हुआ था जब इन्होंने कहा था कि टाइगर जेंटलमैन होता है, क्योंकि खून के निशान ढूंढते हुए हाथी से उतर के जब जिम कॉर्बेट पहुंचे थे और एक झाड़ी के अंदर उन्होंने पर्दे की तरह से झाड़ी को हटाया तो टाइगर बैठा था उनसे 2 फुट की दूरी पर, और टाइगर ने बोला था कि दोष मुझे दिया जाएगा, कर्म तुम कर रहे हो। और टाइगर उछल के चला गया था, उसने जिम कॉर्बेट को कुछ भी नहीं किया था जबकि वो एक पंजा मारता तो जिम कॉर्बेट को मार सकता था। तो ये जगह वही है जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, थोड़ा पीछे ही थी वो बोर नदी, और वो बोर कैनाल तो मैंने आपको दिखाई है अपने एक वीडियो में जो जिम कॉर्बेट ने ही बनवाई थी छोटी हल्द्वानी गांव की सिंचाई के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा टूरिस्ट को और ये शायद अगले सीजन में नवंबर तक खुल जाएगा गेट। और जहां अभी हम चल रहे हैं यहां भी टाइगर की स्पॉटिंग काफ़ी होती है। अभी रूट बंद किया हुआ है तो मैं यहां से, क्योंकि अभी रामनगर आएगा, रामनगर के बाद जब जंगल में दोबारा एंटर करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा फिर जंगल। हालांकि अभी साइटिंग के चांसेस नहीं हैं। रात को जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं वाइल्ड लाइफ स्टेज बाय कॉर्बेट ट्रेफ, उसके सामने ही लेपर्ड स्पॉट हो रहा है लेकिन वो कब होता है उसकी मर्जी पे है। तो लेकिन लोग बता रहे हैं कि अक्सर चलता नज़र आ रहा है वहाँ पर। तो ये इधर जाके देखते हैं कि अगर इन्होंने खोला होगा बैराज की तरफ से, क्योंकि अभी जब हम आ रहे थे तो ये रास्ता बंद किया हुआ था। इसमें टाइगर इस रूट पे भी अक्सर स्पॉट हो जाता है। बहुत सारे रिजॉर्ट बन चुके हैं अभी यहाँ पे। आज मौसम बहुत बढ़िया हो गया, अभी हम विंडो खोल के चला रहे हैं, एकदम एसी के जैसी ठंडी हवा विंडो से आ रही है। बारिश आप देख ही रहे हो रोड पे, थोड़े काले काले से निशान दिख रहे हैं, बारिश हुई है दिन में। आजकल दोस्तों सेल्फी के चक्कर में हर जगह आप सुनते होंगे कि दुर्घटनाएं हो गई, लेकिन अभी वाइल्ड लाइफ में दुर्घटनाएं कुछ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अभी रिसेंटली हुआ अमेरिका में बंगाल टाइगर के बाड़े के पास एक लेडी चली गई और अपने हाथ अंदर कर रही थी, अचानक से टाइगर ने हमला किया। वो तो समय रहते उस लेडी ने अपना हाथ अंदर कर लिया वरना उसका हाथ टाइगर ले जाता। इसे आना है ना? हाँ
ये दोस्तों आम डंडा गेट से अभी जो आगे जाते हैं ठिकुली की तरफ वो वाली रोड है। एनिमल साइटिंग से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो साइटिंग तो रात को ही होगी। तो मैं दोस्तों आपको ये बता रहा था कि जो बहुत ज़्यादा सेल्फी के चक्कर में जैसे कि नदी के एकदम किनारे खड़े होकर सेल्फी लेना चाहते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, उनका पैर स्लिप कर जाता है, वो तो हो ही रहा है, बहुत सारी जगह एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको आइडिया है नहीं, वाइल्ड लाइफ में चले गए। मैं जू की बात नहीं कर रहा, वैसे बाहर की बात भी कर रहा हूँ। फिर वो क्या करते हैं, एक तो लोग होते हैं कि दूर से ही डर जाते हैं, वो भी गड़बड़ करते हैं कि वो इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, इतना ज़्यादा शोर करने लगते हैं कि उसके बाद भी उनके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जानवर इरिटेट हो जाता है। लेकिन जो लोग डरते नहीं हैं, क्या रे ये तो टाइगर हमारा क्या करेगा, ऐसा भी कई होता है। और सिर्फ टाइगर नहीं, बहुत सारे जानवर होते हैं, और मैंने कई बार बताया है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, सांबर डियर है, इनको आप अगर ये समझते हो ना कि इनके नज़दीक जाके आपको खतरा नहीं है, टाइगर से खतरा है, तो आप गलतफहमी में हो। एक कहावत होती है कि आदमी कुत्ता पाले बिल्ली पाले, गलतफहमी कभी ना पाले। डियर के अगले पैर, आप मेल डियर को तो भूल जाओ, जिसके बड़े बड़े सींग हैं, सींग पेट में घुसेड़ देगा, वहीं आदमी की डेथ हो जाएगी। लेकिन जो फीमेल है जिसके पास सींग नहीं है, अगले पैर के जब वो शॉट मार देती है ना, अगले पैर खड़े होकर 2-3 बार मार देती है, आदमी अगर सीने पर लग गया तो मौत हो सकती है। और डियर भी इरिटेट होके, वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो में शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन वीडियो आपको नेट पर मिल जाएंगे कि जब वो आदमी के ऊपर डियर हमला कर रहा है। कई बार स्कूटर से जा रहे होते हैं, सामने डियर है, खड़े हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हाथी पीछे जा रहा है, बैकग्राउंड में हाथी को लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर वो आपने बांदीपुर वाला वीडियो देखा होगा कि 2 आदमी भाग रहे थे, फिर एक आदमी जो थोड़ा हेल्दी था गिर गया था, उस केस में यही हुआ था कि हाथी के पीछे हाथी था, वो सेल्फी ले रहे थे और वो दौड़ पड़ा था, भागे गिर गए, वो तो हाथी ने छोड़ दिया, सिर्फ एक पिछले पैर की लात मारी थी थोड़ी सी, पैर ऊपर रख देता तो काम खराब हो जाता। तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जानवर, अगर आप देखिए, मैं ये बात उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, देखिए जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, जो अपनी पुरानी फैमिली, उनको तो सब मालूम है, पहले से देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए वीडियो भी देखते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मैंने बोला अगर आप ट्रैकिंग करने जाओ तो पहले पता करो, क्योंकि इंडिया में गड़बड़ क्या हो रही है कि हमें चीज़ पता, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती, हम वहाँ चल देते हैं, हमें मालूम नहीं है वहाँ जानवर कौन सा है, लेकिन हम चल देते हैं। सडन एनकाउंटर होने पे क्या करना है नहीं मालूम है, प्रीकॉशंस क्या क्या लेने हैं नहीं मालूम है, अचानक से कुछ होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर आप, और मैंने बताया कि ट्रैकिंग का हॉलीडे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो जब आप जाएं, इस टॉपिक को तो हम पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ से रिलेटेड है थोड़ा सा बोल देता हूँ। अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो पहले तो उसके बारे में आरएनडी करो, वहाँ जानवर कौन से हैं, उन जानवर से बचने के उपाय क्या हैं, प्रीकॉशंस क्या हैं, घंटी लेके जाएं, डंडा लेके जाएं, जोर जोर से बातें करते हुए जाएं, अकेले किसी को ना छोड़ें, सब साथ में चलें। जानवर आए तो भागना बिल्कुल नहीं है, किसी भी कंडीशन में भागना नहीं है, आपको खड़े रहना है, जोर जोर से आवाज़ करनी है, हाथ करना है, और ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो पुरानी फैमिली है उसको तो, अपनी जो YouTube की पुरानी फैमिली है उनको तो सब मालूम है कि इस बात का डिस्कशन हो चुका है। लेकिन जो सेल्फी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी जानवर के बारे में पहले जाने, वो वाइल्ड में है, वो पहली बात तो जू में नहीं है, जू में भी हमला कर देता है, जो अभी मैंने बताया कि टाइगर के बाड़े के बाहर खड़ी थी, हाथ रख के बुला रही थी, वो पास आया और एकदम से उसने अचानक से उछल के हमला किया, वो तो हाथ उनका बाहर निकल गया कुछ मिली सेकेंड के अंतराल से। ये दोस्तों जिस पहाड़ी नाले से हम गुजर रहे हैं ना, ये भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से आता है, अगर इसमें पानी हो तो इसको क्रॉस ना करें। तो आप ये जान लीजिए कि जब जो भी जानवर है, पहले तो आपको उसके भागने की स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको अपनी स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी जानवर, हाथी से लेकर हर जानवर आपसे तेज भागना जानता है। अभी मैं आपको बताऊँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका में, 83 ईयर्स की ओल्ड लेडी को, जो वहाँ का बायसन होता है, अमेरिकन बायसन,
उसने उछाल के बहुत बुरी तरह से रौंद दिया, फोटो खींच रही थी वो, अचानक से भिदक के भाग दिया, वो उस बात के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि गलती विदेशों में नहीं हो रही, गलती विदेशों में भी हो रही है। इंडिया में क्या है, क्योंकि ये धीरे धीरे आ रहा है कल्चर, तो जब नज़दीक से जो आप रोड से जा रहे हैं, पीछे डियर खड़े हैं, आप सड़क के किनारे उतर के सेल्फी मत लो, गाड़ी में बैठे बैठे ले लो। वो भिदक के भाग नहीं रहा है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि गाड़ी में वो आपको खतरा नहीं समझता है। आप जब गाड़ी में बैठे हो तो डियर को मालूम है, वो हैबिचुअल है, अपनी जनरेशन से उनके अंदर ये जीन्स कैरी हो रहे हैं। उन्हें मालूम है कि भाई जो आदमी गाड़ी में होता है वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं। टाइगर को भी मालूम है, सफारी व्हीकल के अगल बगल में खड़े होकर टाइगर निकल जाता है, अगल बगल से टाइगर निकल जाता है, और कई बार तो जिप्सी को ओट बना के वो शिकार कर लेता है, उसको अपना हाइड बना लेता है। जानवर को मालूम है कि जो लोग ये गाड़ियों पे होते हैं हमें खतरा नहीं है। पहले था कि रात को शिकारी निकलते थे और गाड़ी की रोशनी में शिकार करते थे। शिकार आज भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों पे शायद नहीं हो रहा है। घने जंगलों में अभी भी आप ये समझ लीजिए कि अभी एक रिपोर्ट आई है RTI के अगेंस्ट में, जब मांगा गया था तो 43 टाइगर्स एक ही नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में मरे 2019 से। हालांकि उसमें ये हुआ, उसमें ये बोला गया कि कुछ में प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। हालांकि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने डिपार्टमेंट को कब से लिखा हुआ था कि हमें प्रॉपर स्टाफ दिया जाए, प्रॉपर स्टाफ ही नहीं दिया गया। क्या सच्चाई है क्या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों ढिकुली गांव आ गया, तो मैं बता रहा हूँ कि आप गाड़ी में लेके सेल्फी लो, कभी भी मत उतरो कि ये तो डियर है हमारा क्या करेगा। क्योंकि जब आप गाड़ी से उतर जाते हो तो जो उनके जीन्स में ये है ना कि जो आदमी है वो गाड़ी में होता खतरनाक नहीं होता, उनको ये है कि जो पैदल चलता है वो खतरनाक होता है। आप जब भी देखोगे पैदल चलोगे जानवर आपसे दूर भागेगा, कई बार गाड़ी में आपके नज़दीक होगा लेकिन पैदल में आपके नज़दीक कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, गाड़ी तो और बड़ी चीज़ है, उसको डर लगना चाहिए, लेकिन उसको ये मालूम है कि यार गाड़ी में से ये सिर्फ देखते हैं, पैदल वाले अभी भी शिकार कर लेते हैं शायद, जो भी है वो अगर भिदक के हमला करेगा तो डियर, अलग अलग डियर है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर तक पर 70 किलोमीटर पर आवर भाग सकते हैं। हम 10-20 किलोमीटर की स्पीड से भी नहीं भाग सकते। हाथी कुछ सेकंड्स के लिए 40 किलोमीटर पर आवर भाग सकता है। इंडिकेटर देना, हाँ हाथ दिखा रहा है। अच्छा, वो वहाँ पार्क करने जा रहा है। हाँ तो इंडिकेटर दे, हाँ इंडिकेटर दे नहीं रहे भाई साहब, इशारे से कर रहे हैं। और उसको बोलो इंडिकेटर तो देगा। तो इसलिए दोस्तों उतर के सेल्फी ना खींचे, बच्चे फैमिलीज ये नहीं सोच, ये सोच के कि ये डियर खतरनाक जानवर नहीं है, बहुत खतरनाक जानवर है डियर। अगर वो अपने अगले पैर मार देगा तो आदमी की डेथ हो सकती है। स्पॉटेड डियर जैसा छोटा जानवर भी, सांभर की तो बात ही छोड़िए, वो ये फीमेल की बता रहा हूँ, मेल तो बहुत कुछ कर सकता है, उसके सींग बहुत बड़े हैं, उसकी एक टक्कर भी बहुत खतरनाक है। बंदर काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा, उसको आप खिलाने जा रहे हो। लेकिन आप ये सोच लो, अभी एक भालू का किस्सा हुआ है कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि इंडियन ही क्लाइंट थे, मुकेश नाम था, उनकी वाइफ का नाम गुड्डी था, वाइल्ड लाइफ के लिए गए थे और सुबह 6:30 बजे निकल गए, जो कि हर आदमी करता है भाई, हम जंगल एंजॉय करने आए हैं, निकल गए थे। लेकिन वो जोर जोर से बातें करते नहीं जा रहे थे, जो भी था सडन एनकाउंटर हो गया भालू से, भालू ने अचानक से उनकी वाइफ पे हमला कर दिया, हस्बैंड ने पत्थर मारे लेकिन भालू भाग नहीं रहा था, वो चिल्लाया, फिर वाइफ को मारा, फिर हस्बैंड को मार दिया। चिल्लाने की आवाज़ सुन के लोकल जब वहां पे पहुंचे तो मरे, ये लोग मरे हुए थे। बाद में अथॉरिटीज को बताया गया तो भालू को पकड़ लिया गया, लेकिन कैप्टिविटी में भालू अगले दिन मर गया, और जब उसका टेस्ट किया गया तो मालूम चला कि उसको रेबीज था। तो अगर आप बंदर को भी अपने हाथ से केला या सेब खिला रहे हो, अगर उसे रेबीज हुआ और काट लिया तो उसका इलाज नहीं है, आदमी पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाता है, कोई इलाज नहीं है उस चीज़ का। इस चीज़ को अगर आप जानोगे, सोचोगे, पहले विचार करोगे तो शायद आप अपने हाथ से बंदर को खाना नहीं खिलाओगे। यानी कि टाइगर से ज़्यादा खतरनाक बंदर है, टाइगर हमला कर देगा तो बचने का चांस है, लेकिन बंदर ने काट लिया, और रेबीज बहुत होता है इनमें, फिर कोई इलाज है ही नहीं, इलाज बना ही नहीं है। तो दोस्तों जानवरों से दूरी बना के रखिए, देखिए, मैं यही बोलूँगा, देखो मगर प्यार से, देखो मगर दूर से, गाड़ी के अंदर से, किसी भी हाल में गाड़ी के बाहर उतर के वाइल्ड लाइफ को मत देखो,
ये बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत खतरनाक भी हो, बहुत ही वाइल्ड लाइफ बहुत ही प्यारी है और खतरा भी बहुत है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बंदरों को केले और ये फल मत दीजिए, इसकी वजह से उनकी जान जाती है। सड़क के किनारे बैठते हैं और गाड़ी के चपेट में उनके बच्चे आ जाते हैं। अगर वो सड़क के किनारे ना दिया जाए ये सब खाने का, तो वो नहीं आएंगे, फिर जंगल में ही रहेंगे, उनको जंगल में खाना है। और क्योंकि उनको ये फल फूल की आदत पड़ जाती है, तो जंगल वाला खाना पत्तियाँ उनको पसंद नहीं आते, सड़क के किनारे ही आके बैठते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे सुना गया था कि वृंदावन में बहुत सारे बंदर मरे थे, क्योंकि उनको श्रद्धालु खाना देते थे और खाना मिलना बंद हो गया, श्रद्धालु आने बंद हो गए, उनको जंगल का खाना खाना कैसे है, कौन सा खाना मालूम ही नहीं था। वो इंतजार में बैठे रहे कि कोई आएगा खाना खिलाएगा, उनकी जान चली गई। तो बंदरों को खाना बिल्कुल मत दीजिए, आप वो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आप आदत डाल रहे हैं सड़क के किनारे आने की। और सड़क बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये आ गया दोस्तों हमारा रिजॉर्ट, वाइल्ड लाइफ स्टेज बाई कॉर्बेट ट्रेफ। तो चलिए अब रिजॉर्ट के अंदर चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।